Oh, T.S. Luthra is also here. Please welcome T.S. Luthra. आपके पास है मेरा वो सीवी है ठीक है आप सभी को नमस्कार। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2014 और आज उसका आखिरी दिन, गुलाबी ठंडक जयपुर की और उस पर से गुलाबी सी दिखती हुई बरसात और उस सब के बावजूद कविता को सुनने आप सभी का आना, ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। आज का ये सेशन है नवरस। जिंदगी में रस ना हो तो जिंदगी क्या, और रस चाहे कोई भी हो, जिंदगी की खूबसूरती में अक्सर वो नए रंगों को भरने का काम करते हैं। और यही वजह है कि इस सत्र का नाम रखा गया है नवरस। और इस नवरस की खासियत ये भी है कि आपको इस मंच से अलग अलग स्वर और अलग अलग अंदाज सुनने को मिलेंगे। सूत्रधार का काम कम बोलना होता है, इसलिए अपनी बात को यहीं से शुरू करते हुए और वहीं पर विराम देते हुए आपका मैं परिचय कराना चाहूंगी आज जो खास कवि हम सबके साथ है। स्वागत करते हैं यतींद्र मिश्रा का। कवि है, संपादक है, संगीत की दुनिया से इनका तारुफ है, सिनेमा पर इन्होंने बहुत काम किया है। हाल में इनकी किताब हम सफर छपकर आई है, जिसमें हिंदी सिनेमा के 100 सालों का लेखा जोखा है। हिंदी पोएट्री में इनका काम यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कथाएं और इसके अलावा विभास के नाम से प्रकाशित हो चुका है। यतींद्र का हम स्वागत करते हैं। उनके साथ हैं तेजिंदर सिंह लूथरा, धर्म से कवि और कर्म से पुलिस अधिकारी, दिल्ली पुलिस में एक वरिष्ठ पद पर तैनात है। मुझे लग रहा था वहां आम आदमी पार्टी का इतना हंगामा चल रहा है, लूथरा साहब दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, तो अच्छा लगा आम के बीच आपकी कविताएं भी हम सुन पाएंगे आज। तेजेंद्र लूथरा की कविताओं में एक आम इंसान का दर्द है, आम इंसान की जो खिंचाव है, जो शिकन है, वो बार बार दिखाई देती है। इनका कविता संग्रह 80 घाट का बांसुरी वाला बहुत लोकप्रिय हुआ और उसे राजकमल ने प्रकाशित किया। मेरे साथ तालियां हो जाए।
हमारे देश के कई बाबाओं ने भी ये कहा है कि तालियां बजाना ना सिर्फ सुनने वालों की ताकत के लिए सेहत के लिए अच्छा होती है बल्कि बजाने वालों के लिए भी। आप जानते होंगे वो बाबा कौन है, नाम नहीं लूंगी। मेरे साथ है काजल ओझा वैद्या। इनकी खासियत ये है, ये कर्म से मीडिया से जुड़ी है और धर्म से कृष्ण की बात करती हैं और लिखती हैं कविताएं भी। 56 से ज्यादा किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी इन्होंने ये राज मुझे नहीं बताया कि इतनी कम उम्र में 56 किताबें कैसे लिखी, लेकिन लिख चुकी हैं। गुजरात इनकी कर्मभूमि है, लेखन के साथ इनका नाता कई बरसों से कई अलग अलग आयामों से जुड़ा है। टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, इन सब पर लिखने में इनकी खासी दिलचस्पी है। मेरे साथ हैं अर्जुन देव शरण जी, तालियां। अर्जुन देव शरण जी एक वेल नोन प्लेराइट हैं, नाटककार हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं और राजस्थान के एक लोकप्रिय कवि हैं। कई किताबें राजस्थानी फोक थिएटर पर उन्होंने लिखी हैं और इस समय प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं राजस्थानी डिपार्टमेंट के जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, और इसके अलावा राजस्थान संगीत नाटक के अकेडमी के चेयरपर्सन हैं। इनसे हमें खास तौर पर राजस्थानी स्वर सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत। साथ हैं सवाई सिंह शेखावत जी। शेखावत जी एक रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं, कवि हैं और राइटर हैं, और इन्होंने 7 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं कविताओं पर, और इनकी पहली राजस्थानी कहानी खूनपाल हिंदी में ट्रांसलेट हुई, उसके अलावा तेलुगु और डोगरी में, और एडिटर हैं ये राजस्थान की विकास मैगजीन की। उस तरफ नीरव पटेल जी ये गुजराती दलित लिटरेचर से जुड़े हैं, ये बहुत खास बिंदु है इनकी पर्सनालिटी का, और इन्होंने देश की पहली दलित पोएट्री मैगजीन को शुरू किया। 70 के दशक के आसपास गुजरात बर्निंग फ्रॉम बोथ साइड्स, व्हाट डिड आई डू टू बी सो ब्लैक एंड ब्लू, इसके अलावा बहिष्कृत फूलो, गुजराती दलित कविता और सीवियर्ड टंग स्पीक्स आउट, इन किताबों का इन्होंने लेखन किया और ये ज्यादातर कविताएं दलित साहित्य और दलित समाज से जुड़ी हैं। तो इस पैनल का बहुत बहुत स्वागत। तो आइए नवरस की इस सुंदर सुबह की शुरुआत पहली कविता और पहले कवि के साथ किया जाए। मैं स्वागत करना चाहूंगी यतींद्र मिश्रा जी का कि वे अपनी कुछ कविताएं हमारे साथ साझा करें। हमने कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह से रखी है कि सब 5-5 मिनट की कविताएं सुनाएंगे और अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं भी सुनाऊंगी, और अंत में 10 से 12 मिनट का समय हम सवालों के लिए रखेंगे। स्वागत है यतींद्र जी आपका। धन्यवाद वर्तिका जी, और इस पूरे पैनल को मैं प्रणाम करता हूँ। सब मेरे सीनियर ही लोग हैं, मेरे ख्याल से वर्तिका जी ही समवैसी होंगी, और महफिल में श्री नंद भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर पोएट हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं अपनी छोटी छोटी दो कविताएं विभास से और एक छोटा सा पीस सुर की बारादरी से पढ़ना चाहूँगा जो बिस्मिल्लाह खान साहब पर है। 5 मिनट में ये तीनों मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। एक कविता है, एक ही आशय में तिरोहित। एक ही आशय में तिरोहित, सत्य का मुख देखते हुए अपनी सुई में डालता है जुलाहा धागा। सत्य का मुख देखते हुए अपनी सुई में डालता है जुलाहा धागा, संशय की महीन बुनावट से परे जारी रखता है अपना काम, सिलाई तगाई और टांकने की शर्तें। सूर्य की ओर ताकते हुए उड़ती हैं अनगिन सतरंगी चिड़िया, बसेरे से दूर अनथक लगी रहती दाने तिनके की आस में। सूर्य की ओर ताकते हुए उड़ती हैं अनगिन सतरंगी चिड़िया,
बसेरे से दूर अनथक लगी रहती दाने तिनके की आस में। देखने में ये दोनों दृश्य अलग अलग हैं, देखने में ये दोनों दृश्य अलग अलग हैं, मगर भाषा के मानसरोवर में एक ही आशय में तिरोहित हुए जाते हैं। बहुत सुंदर। ये सब कबीर की वाणियों को मैंने रीराइट करना चाहा था कि आज के समय में अगर कबीर होते तो क्या कहते। एक कविता है रंग सुरंग। एक रंग सुरंग सी चादर थी, उसे पांच कुओं पर धोते सुखाते थे। एक रीति रह आई गागर भी थी, जो पांचों कुओं पर भी भरी न जाती थी। एक धूप का घाट भी था, जब तब उस रंग सुरंगी चादर को बिछाते थे, तब तब न जाने कहां से पूरी झमक से बरसता था बादल। डेहरी के बाहर हम हर बार एक नई चुनरी रंगते थे, एक ऐसी चुनरी रंगते थे जिस पर आखिरकार प्रेम का रंग चढ़ सके। हर बार कोई रंग तो न चढ़ता था, पर न जाने कहां से विषय दाग जरूर पड़ जाता था, जो पांचों कुओं पर धोने से भी नहीं छूटता था। धूप की बिछावन में पड़ी हुई चुनरी न तो विषय की स्याह छाप उड़ा पाती थी और न ही वह बरसने की ऋतु में प्रेम का मजीठा रंग ही घोल पाती थी। यह सब होता था क्योंकि एक रंग सुरंग सी चादर थी। आज भी डर लगता है ये जानकर हमारे पास अभी भी एक रंग सुरंग सी चादर है। और एक छोटा सा पीस ये मैंने 5 साल पहले बिस्मिल्लाह खान साहब जब जीवित थे तब उनसे कुछ संवाद किया था। एक पुस्तक लिखी थी सुर की बारादरी, लेकिन ये पुस्तक प्रकाशित हुई उनकी मृत्यु के बाद। एक उसका छोटा सा पीस सुना रहा हूँ। वो अपने जवानी के दिनों को जब याद करते थे तो कैसे याद करते थे, शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब। वे अपनी जवानी के दिनों की याद करते हैं, अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक जाती हैं। खां साहब की अनुभवी आँखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरी कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। एक बार उस्ताद विलायत खां ने कहा था, मैं आधा घंटा बजा कर जो वातावरण बनाता हूँ वो खां साहब जरा सा मुस्कुरा कर धो देते हैं। इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब उनका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अब एक नाम मैंने लिया है अमीरुद्दीन, जो उनके बचपन का नाम है, तो उसी नाम से यह है आगे। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा, छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। नाना रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाते तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फूंक कर खारिज करता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई नाना कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां साहब, जो उनके उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आते तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। जब कुछ अक्ल आई तब उसने इस टिकट को पहले भीड़ वाले दिन बेचना शुरू किया। ब्लैक करने से 12 पैसे मिलते थे, इससे फिल्म भी हो जाती थी और अगली फिल्म के लिए पैसे भी बच जाते थे। जैसे जैसे अमीरुद्दीन जवान होता गया, सुलोचना के प्रति उसका शौक भी जवान होता गया। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। 1 अठन्नी मेहनताना, उस पर यह शौक जबरदस्त
कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहां की संगीत में कचौड़ी। संगीत में कचौड़ी ऐसे कि जब कुलसुम कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी, उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना जरूर तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि नाना की मीठी वाली शहनाई उनके हाथ लग चुकी है। यतीन्द्र जी की कविता के जरिए आपने महसूस किया होगा कि कविता का रस तो घुला ही घुला, कचौड़ी की खुशबू भी इस हॉल में भर गई। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी अर्जुन देव शरण जी से। वे राजस्थान की आवाज है, एक जाने माने नाटककार हैं, थिएटर पर उनका बहुत सा काम है, पढ़ाते भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि वे राजस्थान के संगीत नाटक एकेडमी से जिस पद के साथ जुड़े हैं उसके जरिए राजस्थानी फोक, राजस्थानी शब्द, राजस्थानी भाषा को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वागत करते हैं अर्जुन देव चरण जी का। आप सभी को नमस्कार। मैं राजस्थानी में हमारी छोटी छोटी कविताओं आपके सामने राखूंगा। उम्मीद करूं कि आपने दाय आवेला। पहली कविता है आ दुनिया। कितनी छोटी सी लागे आ दुनिया मने, कितनी छोटी सी लागे आ दुनिया मने, मैं थारे ताई पूगूं आ हो जावे पूरी। कितनी छोटी सी लागे आ दुनिया मने, मैं थारे ताई पूगूं आ हो जावे पूरी। एक दूजी कविता हथियार और थारी कूख, हथियार और तुम्हारी कोख, आंधो इसको उपजावे अजान डर, बगतरी कड़िया कस उभो होवे गुमेज, हार जीतरी बारखड़ी पजियोड़ो मानखो बनावे नवा नवा असला, अश्वत्थामारे ब्रह्मास्त्र सु ले नाइट्रोजन बम ताई, सगलारे नुक्के लिखियोड़ो होवे एक नाम, वे घड़ी घड़ी सोधे थने, अश्वत्थामारे ब्रह्मास्त्र सु ले नाइट्रोजन बम ताई, सगलारे नुक्के लिखियोड़ो होवे एक नाम, वे घड़ी घड़ी सोधे थने, मां सगला हथियार थारी कूखरा बैरी क्यों है, मां सगला हथियार थारी कूखरा बैरी क्यों है। एक और कविता थारी गाथा। काया बांधन ने लाया कांकण डोरड़ा, शादी करते हैं तब, काया बांधन ने लाया कांकण डोरड़ा, मन बांधन ने लाया थारे मोड़, काया बांधन ने लाया कांकण डोरड़ा, मन बांधन ने लाया थारे मोड़, मैं थने लेवण ने नी आया हा मां, मैं थने लेवण ने नी आया हा मां, लेवण ने आया मूंगो दाई जो बरी बेस एक पगरखी, लेवण ने आया मूंगो दाई जो बरी बेस एक पगरखी, थारी गाथा मोड़ सू पगरखी ताई पसरी ओड़ी है, थारी गाथा मोड़ सू पगरखी ताई पसरी ओड़ी है। दो एक और छोटी कविता आप रे सामी राखूं। वो थारो देखनो, लोक में एक कथा प्रचलित है कि महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन गांधारी से मिलने जाता है और गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर उसको नंगा देखती है और उसका शरीर वज्र का हो जाता है।
ये महाभारत में तो नहीं है लेकिन लोक में यही प्रसिद्ध है। वो देखना और दुर्योधन का परिवर्तन, उसी को संबोधित करके एक कविता, वो थारो देखनो वो तुम्हारा देखना, माँ को दुर्योधन कह रहा है। महारा सपना पुरोवण वो थारो देखनो, मेरे सपने पूरे करने के लिए वो तुम्हारा देखना। महारा सपना पुरोवण वो थारो देखनो, इमरत कूपल सुखायो आंधी दीठ, प्रीत हेत ने पी कर दीनो वज्र डील। इमरत कूपल सुखायो आंधी दीठ, प्रीत हेत ने पी कर दीनो वज्र दीठ, आथारी मांगत ही के थारो सराप, आथारी मांगत ही के थारो सराप, थारे हाँचल रो दूध इन धरती ने बूटी कर दीनी, थारे हाँचल रो दूध इन धरती ने बूटी कर दीनी, मात कुमात कद कही जे, मात कुमात कद कही जे, पीढ़ियां देवेला मन्ने दोष, इन बूटी भोम पनपेला मारो बीज, भाटा निपजेला अक्षत योवना, भाटा निपजेला अक्षत योवना। आपका बहुत बहुत आभार। राजस्थान से अब चलते हैं सीधे गुजरात। आजकल गुजरात की बात तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, और अब सुनेंगे कविता हम अंग्रेजी में नीरव पटेल जी से, जिनको श्रेय इस बात का खास तौर पर जाता है कि उन्होंने दलित विमर्श और दलित चिंतन को लेकर अपनी कलम को अलग अलग पैमानों से लगातार आंका है और नए मापदंडों से कविता को निखारने का प्रयास किया है। नीरव पटेल जी की अब तक करीब 7 किताबें आ चुकी हैं और उन्होंने दलित पोएट्री से जुड़ी हुई मैगजीन आक्रोश का संपादन किया है। नीरव पटेल जी, आपका स्वागत। I will straight away go to the poems. The title is The Song of Our Shirt. The Song of Our Shirt. Neerav, title Farikon. Say it again. Farikon. Title Farikon. Sorry. The Song of Our Shirt. We are a fashionable caste. We are a fashionable caste, or tribe you may call. Our forefather Mayo Dhed had a shirt of 3 sleeves. Our forefather Mayo Dhed had a shirt of 3 sleeves. He wore an earthen spittoon around his neck and tied a tamarind branch behind his back to sweep away his steps. His father had a shroud as his shirt, and his father stitched a shirt of his own skin. I am no less fashionable. Just got in a tip, a pocketless, a sleeveless, a buttonless, Peter England the Great, from the pavements I sweep. I flaunt it like Salman Khan, the bare-chested Bollywood hero. Every high-caste girl is tempted to pay her respect to the label of the lords, but without touching my collarbone. Our shirt has a song to sing of bizarre fashions. The next one is The Misled Sun. It is about the second millennium, when it was inaugurated in every nook and corner of the world. This is how I address to the sun. I have no word of welcome for you. I have no word of welcome for you, O saffron sun of this new millennium. No beating of drums, no blowing of trumpets, nor will I go gaga on the gala eve. Whether you rise from the deep romantic chasm of the Konark Apsara, or from the shaft of the Koteshwar Lingam, you are no longer the global god, the Messiah sent on the perennial mission of shining on all and sundry. You were sent to herald a new day every day.
You were sent to herald a new day every day with a ray of hope for each and everyone. But you fell prey to the prayers. You succumbed to the shlokas and enamored by enchanting richas, tempted by the Aryan offerings, and shed all your rainbows to dye yourself in saffron. You disown us Dalits and call it a day. You now shine on the shrines and skyscrapers and never ever peep into our tanning pits, treating us as untouchables. You made them citizens and now you make them netizens, ousting us as the denizens of Narmada. You made us churn the ocean to have amrit for them and poison for us. Father of all biodiversity, you are now the mere misled meteor fallen from the pedestal, devoid of gravity and dignity, the savage sun of the universe, unjust and oppressive. You are not Y2K OK. You are not Y2K OK, a corrupt Verna virus affected disc, unfit to be ushered in the next millennium. I curse you. You will diminish on each sob and sigh of the despaired Dalits. Let me call Lorca's woodcutter. To cut your evil shadow falling on us. No, I won't bid farewell to your eve, nor shall I welcome you or dawn. That's all. Thank you, Neerav Patel ji. Kavita ki ek pankti hai. मैं इतना सार्वजनिक हो गया कि मुझे मेरे सिवा सब पहचानने लगे. इस कविता को लिखा है तेजिंदर सिंह लूथरा जी ने. परिचय के तौर पे ये शामिल करना चाहूँगी एक जाने माने आईपीएस अधिकारी और एक ऐसे समय में जब पुलिस सत्ता प्रशासन राजनीति को लेकर हम में से ज़्यादातर के जहन में गहरे गंभीर तीखे और कुछ असहज सवाल आते हैं. उन तमाम असहजताओं के बीच में श्री तेजिंदर लूथरा कविताओं के जरिए एक बेहद संवेदनशील समाज को जानने का प्रयास करते हैं. बनारस का लोकप्रिय 80 घाट और उसी 80 घाट को केंद्र बनाकर लिखा गया उनका कविता संग्रह 80 घाट का बांसुरी वाला पिछले साल बेहद चर्चित रहा और विश्व हिंदी पुस्तक मेले में उसका विमोचन किया गया. तेजिंदर लूथरा जी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि कुछ ऐसी कविताएं हमें सुनाएंगी जो हमें उस पक्ष को भी समझने का एक मौका दें जिसके बारे में हम सुना करते हैं पर बहुत सोचने की कोशिश नहीं करते. तेजिंदर लूथरा. धन्यवाद दोस्तों. समय कम है तो मैं सिर्फ दो कविताएं सुनाऊंगा और दो कविताओं से पहले दो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी कविताएं. पहली कविता है धीरे धीरे. शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया. शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया. अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया. शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया. अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया. शिल्प समझा तो बिंब सूना. बिंब उतरा तो रस जूठा. शब्द पकड़ा अर्थ बीत गया. अर्थ जागा शिल्प रीत गया. शिल्प समझा तो बिंब सूना. बिंब उतरा तो रस जूठा. रस आने लगा तो जीवन बीत गया. धन्यवाद. एक दूसरी छोटी कविता है अंतराल का डर. अंतराल कहते हैं इंटरवल को, वक्फे को. मैं तुमसे कुछ मांगू तुम शर्तियां दे ही दोगे. मैं तुमसे कुछ मांगू तुम शर्तियां दे ही दोगे. पर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में जो
जो एक पल का वक्फा है। मैं तुमसे कुछ मांगूं, तुम शर्तियां दे ही दोगे, मगर मेरे मांगने और तुम्हारे देने में जो एक पल का वक्फा है, एक पल की कश्मकश का वक्फा मुझे डराता है। ये मेरी कविता है, इसका शीर्षक है एक कम महत्व वाला आदमी। ये दुनिया ऐसी है, इसमें हर आदमी रिलेटिवली निस्पतन कहीं ना कहीं कम महत्व वाला हो जाता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये कविता हर किसी के ऊपर लागू होती है, हर आदमी इसके कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। एक कम महत्व वाला आदमी, हर घर हर जगह होता है एक कम महत्व वाला आदमी। हर घर हर जगह होता है एक कम महत्व वाला आदमी, वो बोलता नहीं सिर्फ सुनता है, सिर्फ पूछने पर देता है जवाब। वो बोलता नहीं सिर्फ सुनता है, सिर्फ पूछने पर देता है जवाब। झिझक शंका रोज पूछती है उससे, तुम कहाँ बैठोगे? झिझक शंका रोज पूछती है उससे, तुम कहाँ बैठोगे? तुम्हारा कमरा आज क्या होगा? तुम्हारी चादर, तुम्हारा बिस्तर कब बदला जाएगा? क्या आज तुम्हारा खाने सोने का समय कितना खिसकेगा? इस बार तुम्हारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी? आज तुम्हारा खाने सोने का समय कितना खिसकेगा? आज तुम्हारी छुट्टी किसकी छुट्टी से कटेगी? अपने सारे सवालों के जवाबों में, अपने सारे सवालों के जवाबों में वो एक कबाड़ी की तरह कचरे में हाथ डाल डालकर बाकी सबके बचे छोड़े कम महत्व के टुकड़ों को अनचाहे मन से थोड़े कम से बोरी में भर लेता है आधी दिहाड़ी के लिए। अपने सारे सवालों के जवाब में वो एक कबाड़ी की तरह कचरे में हाथ डाल डालकर बाकी सबके बचे छोड़े कम महत्व के टुकड़ों को अनचाहे मन से थोड़े कम से बोरी में भर लेता है आधी दिहाड़ी के लिए। और एक दिन जब नहीं रहता ये कम महत्व वाला आदमी, और एक दिन जब ये नहीं रहता कम महत्व वाला आदमी, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना, उसकी ओढ़न उतरन बिछावन, उसकी पौनी करवट, उसकी कटी छुट्टी, उसका टूटा खिसका समय, उससे भी कम महत्व वाले आदमी को बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और एक दिन जब नहीं रहता ये कम महत्व वाला आदमी, तो उसके तमाम सवाल, उसकी झिझक, उसकी शंका, उसकी पिछली पंक्ति, उसका कोना, उसकी ओढ़न उतरन बिछावन, उसकी पौनी करवट, उसकी कटी छुट्टी, उसका टूटा खिसका समय, उससे भी कम महत्व वाले आदमी को बड़े परोपकारी भाव से थमा दिया जाता है। बहुत। और एक और कविता है, इसका शीर्षक है जैसे माँ ठगी गई थी। जैसे माँ ठगी गई थी। मेरे एक दोस्त कवि हैं, वो कहते हैं अपनी कविता का संदर्भ नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं इस कविता का संदर्भ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये तीन पीढ़ियों के बीच का संवाद है, ये माँ और बेटे के बीच का संवाद है, जो कि माँ पहली पीढ़ी है, बेटा दूसरी पीढ़ी है, और फिर उस बेटे का अपने बेटे से संवाद है, तो बेटे का बेटा तीसरी पीढ़ी बन जाता है। तो ये तीन पीढ़ियों के बीच का संवाद है। मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी, और इस कविता के बाद मैं वर्तिका जी से कहूँगा वो दूसरे कवि को आमंत्रित करें। जैसे माँ ठगी गई थी। मैं सिर्फ पर तोल रहा था और आकाश को आंखें भर देख रहा था। मैं सिर्फ पर तोल रहा था और आकाश को आंखें भर देख रहा था। मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी, मेरा साहस दो चार कदम पल्लू छोड़ रहा था। मेरी अंगड़ाई के सामने छत छोटी पड़ने लगी थी, मेरा साहस दो चार कदम पल्लू छोड़ रहा था। सभी करते हैं कोशिश कुछ सोच समझकर,
कुछ बाल हट में, सभी करते हैं कोशिश कुछ सोच समझकर, कुछ बाल हट में, कुछ अधिकार से, कुछ फर्ज में। मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं, मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं, अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी मेरी कोशिशें साधारण थी पर माँ के लिए नहीं, अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि रोने लगी थी। अपनी उंगली छूटने की सोच भर से वो इतनी कमज़ोर पड़ गई थी कि रोने लगी थी। माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊँगा उसे लगभग सदा के लिए, माँ सोचती थी मैं छोड़ जाऊँगा उसे लगभग सदा के लिए। माँ शायद ठीक थी, दूरियाँ रिश्ते तो नहीं पर उनके अनुभव ज़रूर बदल देती है। माँ शायद ठीक थी, दूरियाँ रिश्ते तो नहीं पर उनके अनुभव ज़रूर बदल देती हैं। आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो, आज तुम दौड़ने को ललक रहे हो, तुम्हारी अभिव्यक्ति नए पड़ाव ढूंढ रही है, तुम्हारी अभिव्यक्ति नए पड़ाव ढूंढ रही है। तुम्हारी कोशिशें सामान्य हैं पर मैं असहज, तुम्हारी कोशिशें सामान्य हैं पर मैं असहज, माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमज़ोर, माँ जैसा बेचैन और धृतराष्ट्र जैसा कमज़ोर। मैंने जितना छोड़ा था माँ को उतना आज तुम मुझे, मैंने जितना छोड़ा था माँ को उतना आज तुम मुझे, जितना माँ नहीं समझ पाई थी मुझे कुछ उतना आज मैं तुम्हें, जितना माँ नहीं समझ पाई थी मुझे कुछ उतना आज मैं तुम्हें। जैसे माँ ठीक थी वैसे आज मैं ठीक हूँ, जैसे माँ ठीक थी वैसे आज मैं ठीक हूँ। तुम पर मेरे अभिमान के आसमान वैसे ही छोटे पड़ गए हैं जैसे माँ की पीड़ा के ब्रह्मांड के आगे माँ के गर्व मुझ पर। तुम पर मेरे अभिमान के आसमान वैसे ही छोटे पड़ गए हैं जैसे माँ की पीड़ा के ब्रह्मांड के आगे माँ के गर्व मुझ पर। मेरे बौने स्वार्थ ने तुम्हें क्यों नहीं बनाए रखा बौना, मेरे बौने स्वार्थ ने तुम्हें क्यों नहीं बनाए रखा बौना। ये मुझसे भी जुड़े थे जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले, ये मुझसे भी जुड़े थे जिनके उत्तर तुमने खुद हल कर डाले। काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से, काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से, लगूं दुलारने फिर से सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। काश तुम गिर पड़ो अभी और मैं लपक लूं झट से, लगूं दुलारने फिर से सिखाने लगूं चलना उंगली पकड़ के। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते, ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते, तुम कभी भी जाते तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। ये बस बात की बात कि थोड़ा ठहर जाते तुम कभी भी जाते तुम्हारे बड़े होने का एहसास जी छोटा कर जाता। प्यास इतनी ही बुझाता जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को तुम भी मेरे साथ रहोगे, प्यास इतनी ही बुझाता जैसे मैं नहीं भूल पाया माँ को तुम भी मेरे साथ रहोगे। जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना सीख लिया आखिर, मैं भी वक्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूँगा। जैसे माँ ने छूटी उंगली से चलना सीख लिया आखिर, मैं भी वक्त की कोई खाली उंगली पकड़ लूँगा। पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए, पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए, पर अभी तो यूँ लगता है मैं वैसे ही ठगा गया हूँ जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले। पीड़ा मर जाएगी कभी तो बन जाएंगे कुछ पुल नए, पर अभी तो यूँ लगता है मैं वैसे ही ठगा गया हूँ जैसे माँ ठगी गई थी कई बरस पहले। धन्यवाद। माँ के ठगे रह जाने के एहसास के बीच श्री तेजिंदर लूथरा ने जिंदगी के बहुत से ऐसे रिश्तों को और भावनाओं को फिर से उधेड़ कर हम सबके सामने रख दिया।
और मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप ही, आप में से बहुत से श्रोता इस समय उसी ब्रह्मांड में उस ठगेपन को महसूस कर रहे होंगे। अब मैं स्वागत करूंगी श्री सवाई सिंह शेखावत जी का। वे एक प्रकाशक रहे हैं, प्रशासक रहे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कई किताबों का सृजन किया है और बखत और राजस्थानी, राजस्थान विकास, इन दो पत्रिकाओं का संपादन कर रहे हैं। सवाई सिंह शेखावत जी के जरिए हम फिर से लौटेंगे राजस्थान और उस जमीन से कुछ भावनाओं के अलग संप्रेषण को सुनने का प्रयास करते हैं। श्री सवाई सिंह शेखावत। नमस्कार मित्रों, पहले चिट्ठियों के बहाने कुछ छोटी छोटी कविताएं। पहली चिट्ठी, मेरी स्मृति में आज भी हरा है वह दिन जब आदमी ने लिखी थी पहली चिट्ठी। पहली पहली चिट्ठी आत्मा की आकुल गुहार किसी और के बहाने स्वयं अपना उत्तर मांगती हुई। आदमी क्यों लिखता है चिट्ठी, मैंने जब भी सोचा सारे तर्कों के विरुद्ध एक जवाबी खत को भारी पाया। दूसरी कविता है हर चिट्ठी। कितनी बड़ी है ये दुनिया, हर चिट्ठी छोटी पड़ जाती है। कितनी बड़ी है ये दुनिया, हर चिट्ठी छोटी पड़ जाती है। आदमी के लिए उतनी सी है दुनिया जितनी सी उसकी चिट्ठी में आती है। क्या होगा उस दुनिया का जो चिट्ठी से बाहर रह जाती है। कितनी बड़ी है यह दुनिया, हर चिट्ठी छोटी पड़ जाती है। आदमी के लिए उतनी सी है दुनिया जितनी उसकी चिट्ठी में आती है। क्या होगा उस दुनिया का जो चिट्ठी से बाहर रह जाती है। और इसी सीरीज में अगली कविता पीढ़ियों के पार से। आज मिली वह चिट्ठी जो दादाजी ने लिखी थी मेरे नाम। आज मिली वह चिट्ठी जो दादाजी ने लिखी थी मेरे नाम। मैं भी लिखूंगा चिट्ठी कल अपने परपोते के लिए। पीढ़ियों के पार से आती हैं चिट्ठियां, पीढ़ियों के पार जाती हैं चिट्ठियां। इसी में छोटी कविता एक और, उम्र भर तय था जब लिखा जाना अपनी चिट्ठी का, ठीक उसी वक्त छीने गए कलम और कागज। तय था जब लिखा जाना अपनी चिट्ठी का, ठीक उसी वक्त छीने गए कलम और कागज। उम्र भर लिखी हमने औरों की चिट्ठी। और इस सीरीज की आखिरी कविता है बांसते रही है। बांसते रहिए चिट्ठी में लिखे राजी खुशी के समाचार। तुम्हें मालूम नहीं जीवन की सबसे भयानक खबर भी एक दिन चिट्ठी ही लाएगी और उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं आएगी। बांसते रहिए चिट्ठी में लिखे राजी खुशी के समाचार। तुम्हें मालूम नहीं जीवन की सब दुनिया के सबसे भयानक खबर भी एक दिन चिट्ठी ही लाएगी और उसके बाद कोई चिट्ठी नहीं आएगी। बहुत सुंदर। और इसके बाद तुलनात्मक रूप से एक थोड़ी बड़ी कविता। कविता का शीर्षक है हमारे सुनने का बुनियादी ऐब। हमारे सुनने का बुनियादी ऐब है हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं। हमारे सुनने का बुनियादी ऐब है हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं। नरम मुलायम आवाजों को तवज्जो नहीं देते। जीवन की कोमल तानों को अनसुना करते हैं जबकि मानुष होने के लिए उनका सुना जाना। सुनने की कोशिश में हम नहीं सुनते मनुष्य की रुलाई। हम शब्दों की गूंज सुनते हैं या आक्रामक हंसी।
भूतपूर्व सुनते हैं या फिर महान भविष्य में, हमारा सुनना समकाल में नहीं होता बावजूद तमाम उद्घोषणाओं के। याद रखने की जुगत में हम भुलाने को सुनते हैं, ठोस सुनते हैं मगर आड़ा तिरछा, सुधा नहीं सुनते सयानप और बांकपने से रहित, चुप से बचकर सुनते हैं और एक चीख हमें खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण की तरह। याद रखने की जुगत में हम भुलाने को सुनते हैं, ठोस सुनते हैं मगर आड़ा तिरछा, सुधा नहीं सुनते सयानप और बांकपने से रहित, चुप से बचकर सुनते हैं और एक चीख हमें खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण की तरह। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हम हड़बड़ी में सुनते हैं या फिर सतर्क होकर सहज मिली खुशी की तरह नहीं सुनते। हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदर पूर्वक सुनते हैं, एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदर पूर्वक सुनते हैं, एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। सुनने के विमर्श को लेकर हम कितना ही गंभीर होने का नाट्य करें, अपने तमाम संजीदापन के बावजूद हम सुनते हैं मतलब की, यारी की, जबरे की सुनते हैं या फिर जरदारी की। और अब मैं चाहूंगी काजल ओझा वैद्य अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। मैंने सोचा कि हम तो मानते ही है ना कि जरा पुरुष प्रधान समाज है तो पहले पुरुष बोल लें, फिर मैंने कहा एक महिला की आवाज होगी, फिर आखिर में अगर बचा खुचा समय मिला तो मैं भी बोलूंगी। तो अभी काजल से हम सुनेंगे इनकी कविताएं। इनकी कविताओं की एक और खासियत ये है कि ये रिश्तों की कविताएं लिखती हैं। इनका जो केंद्र है वो रिश्ते हैं, संबंध हैं। और 56 किताबों की बात तो मैंने आपसे बताई ही बताई, उसके अलावा अनुवाद, निबंध, इसके अलावा इन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जिसका सीधा ताल्लुक पत्रकारिता से है। काजल, आपका स्वागत। टुकड़ा टुकड़ा टूट के बिखर जाता है हर रोज, टुकड़ा टुकड़ा टूट के बिखर जाता है हर रोज, दोस्त ही हैं जो कतरा कतरा बहाते हैं। कौन है किससे करे शिकवा, कौन है किससे करे शिकवा, अपने ही हैं जो जानते हैं रास्ता मेरी तकलीफ के घर का। एक और छोटी कविता, जाने क्या हुआ था उस आखिरी पल में मुझे याद नहीं, जाने क्या हुआ था उस आखिरी पल में मुझे याद नहीं, जुदाई का सबब हो तो बताती जमाने को, जुदाई का सबब हो तो बताती जमाने को, बस इतनी खबर है मुझको, बस इतनी खबर है मुझको कि कुछ बेआवाज टूटा था, बस इतनी खबर है मुझको कि कुछ बेआवाज टूटा था, दिल था या भरोसा मेरा, दिल था या भरोसा मेरा, उस रात से फिर ख्वाबों ने भी रास्ता बदल लिया होगा। कभी किसी लम्हे को तुमने मुट्ठी में पकड़कर छूकर तितली सा उड़ता देखा है क्या, कभी किसी लम्हे को तुमने मुट्ठी में पकड़कर छूकर तितली सा उड़ता देखा है क्या, कभी किसी आंखों की धूप को आंसू की बारिश में धुलकर उजली होते देखा है तुमने, कभी किसी आंखों की धूप को आंसू की बारिश में धुलकर उजली होते देखा है तुमने, कभी किसी एहसास को इतना गहरा पाया कि जहन तुम्हारा रोम रोम अंदर बाहर एक सा लगता, कभी किसी एहसास को इतना गहरा पाया कि जहन तुम्हारा रोम रोम और अंदर बाहर एक सा लगता, किसी नाम को मंदिर की घंटी के जैसे गूंजता सुना हो शायद तुमने, किसी नाम को मंदिर की घंटी के जैसे गूंजता सुना हो शायद तुमने,
स्याह अंधेरे पल में कोई ख्याल किसी का, स्याह अंधेरे पल में कोई ख्याल किसी का, लौ बनकर जला हो रात भर फिर साथ चला हो शायद, और शायद उस ख्याल को तुमने धुंधला धुंधला पहचाना हो, और शायद उस ख्याल को तुमने धुंधला धुंधला पहचाना हो, शायद तुमने उसको कोई नाम कोई चेहरा दिया हो शायद, रिश्तों के उस रंग बिरंगे ताने बाने बुनते बुनते शायद तुमने कहीं किसी कच्चे धागे को झटक कर तोड़ा फेंक दिया हो शायद, रिश्तों के उस रंग बिरंगे ताने बाने बुनते बुनते शायद तुमने कहीं किसी कच्चे धागे को झटक कर तोड़ा फेंक दिया हो शायद, शायद उस कच्चे धागे ने आज तुम्हें फिर याद किया हो, शायद उस कच्चे धागे ने आज तुम्हें फिर याद किया हो, शायद तुम भी उस कच्चे धागे को, शायद तुम भी उस कच्चे धागे को, उस ताने को, उस ख्याल को ढूंढ रहे हो अब तक शायद। ये वजूद के किस्से सारे, ये वजूद के किस्से सारे, आंसू भी हैं खारिश भी, उस रिश्ते में धूप थी ज्यादा और थोड़ी सी बारिश भी, ये वजूद के किस्से सारे, आंसू भी हैं खारिश भी, उस रिश्ते में धूप थी ज्यादा और थोड़ी सी बारिश भी, कच्ची नींदें गीली आंखें और कुछ झूठे सपने भी, कच्ची नींदें गीली आंखें और कुछ झूठे सपने भी, जिस जिसने फेंके थे पत्थर उसमें थे कुछ अपने भी, जिस जिसने फेंके थे पत्थर उसमें थे कुछ अपने भी, रेत पे लिखी एक कहानी पानी को सुनाए कौन, रेत पे लिखी एक कहानी पानी को सुनाए कौन, उस किस्से में कितना कुछ था अब तुमको बताए कौन, उस किस्से में कितना कुछ था अब तुमको बताए कौन, तुमने तोड़े पुल वो सारे, तुमने तोड़े पुल वो सारे और रस्ते भी मोड़ दिए, मैंने भी कागज की कश्ती को बहती हुई ही छोड़ दी। एक लंबी कविता, कुछ लोग इसे आज भी मेरा घर कहते हैं, कुछ लोग इसे आज भी मेरा घर कहते हैं, दरअसल ये एक मकान है, सजा संवरा साफ सुथरा, इसका अपना एक वजूद है, पहचान है, नाम और नंबर है, उसके खुद के जानने पहचानने वाले लोग भी हैं, जो आते हैं वक्त बेवक्त कभी, खटखटाते हैं दरवाजा झट से खुल जाता है वो, इसके अपने जानने पहचानने वाले लोग भी हैं, जो आते हैं वक्त बेवक्त कभी, खटखटाते हैं दरवाजा झट से खुल जाता है वो, कभी ठहाकों की आवाजें गूंजती हैं, कभी प्लेटें कभी गिलास की खनखन इस मकान को जिंदा कर देती है, कुछ लोग इसे आज भी मेरा घर कहते हैं, वैसे इसके दरवाजे पर मेरा नाम अब भी है, वैसे इसके दरवाजे पर मेरा नाम अब भी है, कुछ और नामों के साथ ही सही, मैं भी यही सोचती थी, मैं भी यही सोचती थी कि यही मेरा घर है, मैंने कभी मकान नहीं समझा इसे, बड़ा लगाव था मुझे इसकी दीवारों से, फर्श और खिड़कियों से, पर्दे पलंग अलमारियां डाइनिंग टेबल और कुर्सियां, सबसे मैं ढेर सारी बातें किया करती थी, लोग मुझे मिलने आते थे यहां तब मेरा नाम नहीं था दरवाजे पर, लोग मुझे मिलने आते थे यहां तब मेरा नाम नहीं था दरवाजे पर, फिर भी चले आते थे ढूंढते हुए, और मैं जब भी लौटती थी बाहर से, घर के नजदीक आते ही मेरे कदम तेज हो जाते थे, घंटी बजाने से पहले मेरा दिल मेरी आंखों में उतर आता था, दरवाजा खुलते ही सारा घर लिपट जाता था मुझसे, दीवारें झुक कर पूछती कहाँ रह गई इतनी देर, कुर्सी कहती बैठ जा थकी होगी, डाइनिंग टेबल चिल्लाने लगता चल खाना तैयार है मुझे जोरों की भूख लगी है आज, बिल्कुल ठंडा बेस्वाद खाना बातों के मसाले से जायकेदार बन जाता, पता नहीं क्या खाते और किसके बारे में बात करते रहते हम, कभी तू और मैं नहीं थे उस वक्त, कभी तू और मैं नहीं थे उस वक्त, हम थे, जाने क्यों बिस्तर पर आकर मेरी सारी नींद गुम हो जाती, मैं ही नहीं मेरा जिस्म मेरी रूह मेरे सपने मेरी किस्मत सब जाग जाता, जागता रहता रात भर, मेरी सांसें मंदिर के दिए की लौ बनकर फड़फड़ाती, उस एक नाम को पुकारते हुए मुझे लगता जैसे किसी दूर वादी में सूरज निकल आया हो आधी रात, मेरा सारा घर पिघल कर बहने लगता और मैं भी कतरा कतरा बहती बहती चली जाती, वो घर अपने हर कोने में हर दीवार पर हर पल में जैसे एक कविता लिखता रहता मेरे होने की, कभी दूर जाती दो एक दिन, कभी दूर जाती दो एक दिन तो घर साथ साथ जाता मेरे, मैं कहीं भी रहती, इतना बड़ा घर न जाने कैसे आंखें मूंदते ही
मेरी आंखों के अंदर छुपकर सो जाता। इतना बड़ा घर न जाने कैसे आंखें मूंदते ही मेरी आंखों के अंदर छुपकर सो जाता। अब ऐसा नहीं होता। मैं अपने घर को याद करती हूँ, खुली आंखों से छत को ताकती हूँ रात भर। फिर भी कुछ लोग इसे आज भी मेरा घर कहते हैं, न जाने क्यों। फिर भी सोचती हूँ शायद मेरा घर जाग रहा होगा मेरे इंतजार में। डाइनिंग टेबल ठंडा पड़ गया होगा शायद, मगर भूखा तो होगा। मेरे आते ही पूछेगा, चल खाना खा ले। चुप्पी में लिपटे खाने का जायका शायद इतना अच्छा न हो, मगर चार आंखों में बिना लफ्जों के भी कुछ कहा सुना जाएगा जरूर। मेरा बिस्तर छोटे से लैंप के सहारे चिड़चिड़ा सा बेचैन कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। मेरी आहट सुनकर उठाई किताब उल्टी ही पकड़ी हो शायद। अब ऐसा नहीं होता। मेरा बिस्तर अब खाली रहता है और कमरा अंधेरा। अब वो मकान धूप अंधेरे में लिपटा चुपचाप खड़ा रहता है मेरे आने पर भी। मेरे आते ही मेरी तरफ ऐसे देखता है जैसे एक अजनबी दूसरे अजनबी को स्टेशन पर देखता हो। मैं घंटी नहीं बजाती, बाहर से दरवाजा खोल लेती हूँ खुद ही। दीवारें मुझसे पूछती है, फिर लौट आई तू? क्या बचा है अब जिसे ढूंढने तू आ जाती है बार बार लौट कर, हर शाम हर रात? कैसे बताऊं उस मकान को कि मेरा घर खोया है कहीं? उसी मकान के किसी कोने में। फिर भी कुछ लोग आज भी इसे मेरा घर कहते हैं। और इसके दरवाजे पर मेरा नाम अब भी है। वर्तिका जी हमारे बीच में हैं। वर्तिका मीडिया और मास कम्युनिकेशन की एजुकेशन के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। वर्तिका नंदा ने अपने करियर की शुरुआत जालंधर से की और ये एशिया की सबसे छोटी कम उम्र वाली एंकर बनी और आज 20 साल की इस प्रोफेशनल यात्रा में वर्तिका ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में लगभग 3 साल एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया। उसके बाद एनडीटीवी में लगभग 7 साल काम किया और उसके बाद ये एनडीटीवी को छोड़कर वापस बच्चों को पढ़ाने में मास कम्युनिकेशन की फील्ड में फिर से वापस चली गई। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने 7 किताबें अब तक लिख चुकी हैं, जिसमें से इनकी 2 किताबों का मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहली थी हूँ रहूँगी, जिसकी बहुत चर्चा हुई, और उसके बाद अब जो इनकी किताब आई है तिनका तिनका तिहाड़, जिसकी बहुत चर्चा हो रही है और क्रिटिक्स ने, समीक्षकों ने, आलोचकों ने उसको बहुत सराहा है। मैं वर्तिका नंदा जी से बात चाहूँगा कि वो अपनी कुछ कविताएँ सुनाएँ। आपका बहुत आभार। मेरे पास 2 मिनट और 25 सेकेंड शायद बचे हैं। आज की मेरी सारी कविताएं सुनंदा पुष्कर के नाम, मैं महिला अपराध पर लिखती हूं और जो बातें कही नहीं जा सकती किसी और माध्यम से वो कविता से कही जा सकती है। पहली कविता का शीर्षक है जो वापसी कभी ना हुई। सुनंदा के लिए गाना गाते हुए घर लौटी औरत, इछलाती महकती भरी भरी सी घर लौटी औरत, मन में नाचती आंखों से नहाती घर लौटी औरत, दुखों की मटकी जमीन पर रख रख कर ट्विटर फेसबुक और बिखरे रिश्तों से जूझती, जब तक बिस्तर पर लेटी औरत तब तक बुझी लालटेनों सिसकती किस्मत के बीच, कौन जाना कब घर लौटी औरत। दरअसल औरत को मार डालने का सुख असीम होता है, टुकड़ों में काट काट कर, पीस कर, दबोच कर, नोच कर, घिस कर, छील कर, उससे भी ज्यादा सुख नसीब होता है जब वो मरती है घुल घुल कर, चुप रह कर, शांत दिख कर, उदासी ठेल कर, मन में हिमालय की परतें जमा कर,
सारे समंदर को सूख कर। लेकिन मारने वाला अक्सर भूल जाता है एक ही बात बार बार, नाखूनों के अंदर तक सब कुछ छिपाए औरत कभी भी पूरी नहीं मरती। नाखूनों के अंदर सच को छिपाए औरत कभी भी पूरी नहीं मरती, उसके पूरे ना मरने से ही थरथराती है जमीन और आसमान भी ओढ़े रहता है शर्मसार घूंघट। जिस पनघट को औरत जाती है शुरू होता है वहीं से संगीत और शमशान को लगता है पूर्ण विराम, क्योंकि निचोड़े गए तन से बाहर आई औरत फिर सिर्फ एक औरत नहीं होती। एक कविता चुप्पी, जेल के अंदर काम किया तब भी पाया औरत चाहती है वो चुप रहे, बाहर देखा आधी आबादी दुनिया की हर तीसरी औरत किसी ना किसी हिंसा की शिकार, पर कोशिश करती है वो भी रहे चुप। कविता है चुप्पी। मेरी चुप्पी नानक है, कबीर है, कृष्ण है, मेरी चुप्पी काबा, गुरुद्वारा, चर्च की प्रार्थना और मंदिर की छनछनाती हुई घंटी भी। ये चुप्पी शक्तिपीठ है, मन्नतों के पसीने की पोटली, तुम क्या जानो कि धर्मों की मुट्ठी होती है चुप्पी। तुम क्या जानो धर्मों की पोटली होती है चुप्पी, सारे धुनों की थिरकन चुप्पी, पांव की बुवाइयां चुप्पी, चुप्पी में नमक, खारा समंदर पूरा का पूरा, मेरी चुप्पी में मेरा अवाक खून रिश्ता है, अपमान, अनकहे दर्द और कांपते सच से लबालब लदियां। चुप्पी, मेरी इस चुप्पी में मेरा बनाया बुद्ध है, चुप्पी में मेरे सारे सपने, चुप्पी में हट, चुप्पी में लाज, चुप्पी में मर्यादा, चुप्पी में सब कुछ चुप। मैं चुप्पी को रोज आटे में गूंथ कर अंदर निगल लेती हूँ, सुलगती हूँ, कटती हूँ, सहती हूँ, चुप्पी के साथ बैठती हूँ। ध्यान फरमाइएगा, चुप्पी इतिहास की इज्जत, वर्तमान के षड्यंत्रों का चक्रव्यूह और भविष्य की संभावित उतरनों के बलात्कार को रोके रखती है। देश और घर इसी चुप्पी के भरोसे भरते हैं सांस। और एक छोटी सी कविता श्रद्धांजलि, मैं सुनंदा पुष्कर को श्रद्धांजलि दे रही हूँ और उनके लिए भी जो आने वाले समय की सुनंदा पुष्कर हो सकती हैं। श्रद्धांजलियां सच नहीं होती हमेशा, जैसे जिंदगी सच नहीं होती हमेशा, तस्वीर के साथ समय, तारीख, उम्र, पता, ये सब सरकारी सबूत हैं। ये कौन लिखे कि मरने वाली मरी या मारी गई? श्रद्धांजलि में फिर श्रद्धा किसकी, कैसे, कहां, क्यों? यात्रा की फरेब, षड्यंत्र, पठार श्रद्धांजलि नहीं कहती। वो अखबार की नियमित घोषणा होती है, एक इश्तिहार, जिंदगी का बिंदु, अफसोस। लेकिन अफसोस श्रद्धांजलि जिसकी होती है वो उसका लेखक नहीं होता। श्रद्धांजलि जिसकी होती है वो उसका लेखक नहीं होता, इसलिए श्रद्धांजलि कभी पूरी नहीं होती। सच ना तो जिंदगी कभी पूरी होती है ना श्रद्धांजलि, इसलिए बेहतर है जीना किसी उम्मीद के और मरना बिना उम्मीद के। परिभाषित करना खुद को जब भी समय हो, शीशे में अपने अक्स को देखना, खुद ही पूछ लेना ऐतिहासिक रुमाल से प्रूफ की गलतियां, हड़बड़ियां, आंदोलनों, राजनेताओं की घमाघम लड़ाइयां, बेहतर है खुद ही लिख जाना अपनी एक अदद श्रद्धांजलि। अब आप सभी का बहुत बहुत आभार इस नवरस का हिस्सा बनने के लिए। जाते समय कुछ एक छोटा सा संगीत आपको सुनाई देगा। ये गाना है उन कैदियों के लिए जिसे लिखने का सौभाग्य मुझे मिला, तिहाड़ जेल के कैदी। लिखा भले ही मैंने है लेकिन गाया है इन कैदियों ने, नाम है तिनका तिनका तिहाड़। आप सभी को नमस्कार। तिनका तिनका तिहाड़ है, तिनके का इतिहास है।